अस्सलाम वालेकुम, मैं सरवत खान आज फिर अपने एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो एजुकेशन लाइन से है। अक्सर लोग कहते हैं तुम पढ़ते क्यों हो, तुम्हारी पढ़ाई का रीज़न क्या है, तुम्हारी चाहत क्या है पढ़ाई का। तो लोग कहते हैं कि मैं कामयाब होने के लिए पढ़ता हूँ, कुछ लोग कहते हैं पैसे कमाने के लिए पढ़ते हैं, कोई कहते हैं कि हम नौकरी पाने के पढ़ते हैं, कोई कहते हैं बिजनेस करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के तो बहुत सारे वो अपने अपने व्यूज़ दिखाते हैं, लेकिन हर एक इंसान में शिक्षा की एक क्वालिटी अपनी होती है। जैसे हर एक बच्चे के अंदर क्वालिटी होती है, कुछ क्वालिटी होती है कि हम आगे बढ़ने की, कुछ क्वालिटी उसमें कमियां भी साथ साथ होती हैं। तो हमें उसके क्वालिटी का भी साथ देना होता है, उसकी कमी का भी साथ देना होता है। आज के दौर में जैसे शिक्षा को सिर्फ ऐसे बना दिया गया है कि सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ कि तुम खाली पढ़ लोगे तुम्हें नौकरी सरकारी मिल जाएगी या प्राइवेट मिल जाएगी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि वास्तव में शिक्षा क्यों ली जाए। कल की हमारी कुछ वीडियो थी माँ बाप के लिए थी कि बच्चे माँ बाप के नाफरमान बच्चे बनते हैं जो माँ का कहना नहीं मानते हैं, कहीं और किसी और के यहाँ खाना खाएँ या अपने यहाँ खाना खाएँ तो डिस्ट्रीब्यूशन से कभी एक भाई खाए कभी दूसरा भाई खाए। ये सब क्या है, ये पढ़ाई में कमी है या बच्चे को पढ़ना ही नहीं है। हम लोग सिर्फ किताबी जो कीड़ा बच्चे को बनाते हैं कि तुम सिर्फ खाली पढ़ लो क्लास बीट कर लो। हम लोग के पास में हमेशा जैसे ये ठूस ठूस के भर दिया जाता है कि तुम्हें फर्स्ट आना है। जब बार बार फर्स्ट आने की बात की जाएगी तो बच्चा कुछ और सोचेगा नहीं, वो सोचेगा मुझे फ़र्स्ट आना है, क्योंकि ये मुझे ठूस ठूस के भरा जा रहा है कि मुझे फ़र्स्ट आना है, मुझे हर एक बार बार ना किसी के बारे में सोचना है, यानी कि दूसरे को बीट करना है, मुझे फ़र्स्ट आना है। मुझे फ़र्स्ट आने के इतने बेवकूफ़ी वाले एग्जांपल लगते हैं कि जैसे खाना खाने में फ़र्स्ट आना, लोग ऐसे कहते हैं खाना खाने में फ़र्स्ट आना। कुछ लोग कहते हैं कि दौड़ने में फ़र्स्ट आ जाना, कुछ लोग कहते हैं पानी पीने में फ़र्स्ट आ जाना, कुछ लोग कहते हैं बच्चे खेलते हैं आइस पाइस खेलते हैं उसके अंदर फर्स्ट आना है। मुझे एक गेम भी समझ में नहीं आता है, तो कि एक ये भी समझ में आता है फर्स्ट आने लिए, देख लीजिए कि मुंह में चम्मच लगाया, उसमें लगाया रखा नींबू, अब दौड़ो और अब फर्स्ट आना। क्या ये फर्स्ट आना सही है? कहाँ तक फर्स्ट आना? ये फर्स्ट आना सिर्फ बच्चा अपने बारे में दूसरे को पछाड़ करके खुद आगे बढ़ना, इसके लिए फर्स्ट आना वो लगा रहता है। कभी ये सोचते नहीं है कि फर्स्ट से बेहतर इसको बच्चे को उसका ज्ञान आना, बच्चे को उस विषय की के बारे में डीप नॉलेज आना। क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़े हुए होते हैं, इसीलिए तो अपने फैमिली को अपने बिजनेस को मतलब सिर्फ पढ़ाई तक ही वसी में रहते हैं, अच्छे प्रोफेशनल बन जाते हैं, लेकिन वो अच्छे पारिवारिक स्तर के नहीं बन पाते हैं। इसलिए पढ़ाई हम लोग को जो है फर्स्ट आने के साथ साथ जो पढ़ाई होनी चाहिए, एक नेक इंसान बनने के लिए पढ़ाई होनी चाहिए। छोटे बड़ों का मतलब अदब, बड़ों का लिहाज, इसके साथ भी पढ़ाई का एक जुड़ी हुई कड़ी होती है। आसपास पड़ोसी का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, अपने ज़िंदगी अपनी अच्छी गुजारना और अपने आप को चरित्र का निखार करना, तमाम इससे का दिखा रहा है पढ़ाई का जो शुमार हमारा है ये बहुत बेहतर शुमार है। अगर सिर्फ पढ़ने की बात की जाए कि तुम फर्स्ट आओ,